नमस्ते मेरे प्यारे फूडी फ्रेंड्स, फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अक्सर बच्चे बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है जो नहीं खाते, लेकिन एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों को और बड़ों को बहुत अच्छी लगती है और वो है भिंडी की सब्जी। तो आज हम मेरे तरीके से इनोवेटिवली भिंडी और आलू का सब्जी बनाते हैं। मस्त चटपटी भिंडी की सब्जी के लिए हम लेंगे 250 ग्राम ऑफ भिंडी, लेंगे 2 आलू और एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे। अब इसे हम कटिंग करके रेडी करते हैं। कटिंग करने से पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के फिर इसे काटना है। भिंडी को हमें आगे से ऐसे काटना है, पीछे से भी काटना है और बीच में एक इसको कट लगा देना है। और इस तरह से हम सब भिंडी को काट के रेडी करते हैं। भिंडी के बाद आलू और प्याज भी काट लेते हैं हम। एक लूंगी मिर्ची और इसको बीच में से स्लिट करके इसके मैं 4 टुकड़े करके रेडी करती हूँ। एक लेंगे टोमेटो, उसके भी हम बड़े बड़े पीसेस करके रेडी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना दोस्तों, भिंडी को, आलू को, प्याज को, मिर्ची को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। पहले हम फ्राई करेंगे भिंडी और इस भिंडी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं बन जाती। बहुत ज्यादा भी क्रिस्पी नहीं करना, हमें थोड़ा सा क्रिस्पी करना है भिंडी को। ये लीजिए दोस्तों, हमारी भिंडी थोड़ी सी क्रिस्पी बन गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे प्याज और मिर्ची, और प्याज और मिर्ची को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लीजिए दोस्तों, प्याज भी हमारे बनके रेडी है, इसे निकालती हूँ मैं। आते हैं पोटैटोस, हम इसे गोल्डन ब्राउन करने के लिए। चलिए पोटैटोस निकाल देते हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। वेजीज फ्राई होने के बाद हम एक मसाला रेडी करेंगे भिंडी की सब्जी में डालने के लिए। तो जिसके लिए मैंने लिया है ये मीडियम साइज का आधा कटोरी भर के फुटाना दाना, एक छोटी चम्मच ली है मैंने जीरा, 2 छोटी चम्मच लिया है साबुत धनिया और 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने सौंफ और 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का और 2 छोटी चम्मच ली है मैंने तिल। आप तिल कोई भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट वाली हो तो भी चलेगी और ब्राउन वाली हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। हरी बारी से सब कुछ डालते हैं और अच्छे से इसको हम सॉटे करते हैं मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। सब डाल दिया। ये जो मसाला जो हम बना रहे हैं फ्रेश वाला, ये है ना हमारी भिंडी और आलू की सब्जी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाने वाला है। और यकीन मानिए, ये जो आलू और भिंडी की सब्जी है वो नेक्स्ट लेवल की बनेगी। तो प्लीज आप ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपके घर में 100% सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों, ये बोन के रेडी है। अब इसे ठंडा करके हम इसे मिक्सर की जार में हम दरदरा इसका पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पाउडर बनके रेडी है। देखिए कितना मस्त बना है और स्मेल तो पूरे घर में आ रही है इसकी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम लेंगे 6 से 7 लहसुन की कली और 1 टुकड़ा लेंगे अदरक का और इसको मैं कूट के रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनके रेडी है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने रखेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाता है उसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच राई, उसे अच्छे से स्प्लटर करेंगे। राई को स्प्लटर होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम हींग, डालेंगे करी लीव्स और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हम सॉटे करेंगे। ऐसे ही अदरक और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए उसमें हम डालेंगे हमारी सभी वेजीज। और जैसे कि हमने भिंडी, पोटैटो, प्याज पहले से ही फ्राई करके रखे हैं, तो तड़के के वक्त आपको ऑयल थोड़ा कम ही यूज करना है क्योंकि ऑलरेडी ये सब ऑयल में फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें करते हैं बारी बारी से सभी मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें 1 हरी मिर्ची भी डाली हुई है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाए उस तरह से आप लाल मिर्ची डालिए। फिर डालेंगे 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें हम नमक और अच्छे से इसको हम हिला डालेंगे। नमक डाल के इसे 2 मिनट तक अच्छे से ऐसे सॉटे करना है ताकि सभी मसाले अच्छे से कोटिंग हो जाए भिंडी पोटैटो और ऑनियन के ऊपर। और फाइनली इसके ऊपर हम डालेंगे टोमेटो। टोमेटो को ज्यादा पकने में देर नहीं लगती तो ये मैंने लास्ट में ही मैं डाल रही हूँ। और इसे बस 1-2 मिनट तक टोमेटो के साथ हिलाएंगे इस सब्जी को। और टोमेटो के साथ साथ में मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी, जो हमारी सब्जी को चटपटा करेगा। और 1 पैकेट डालेंगे हम मैजिक मसाला मैगी का, तो वो भी ऐड कर देते हैं। और अच्छे से करते हैं हम इसे मिक्स। जैसे ही टोमेटो थोड़े से गल जाए, हमें इसे ज्यादा नहीं गलाना क्योंकि वो थोड़ा मजा आएगा बीच बीच में ऐसे थोड़े से कड़क कड़क टोमेटो आएंगे, तो थोड़े से गलाएंगे हम टोमेटोस को। अभी ये होने के बाद हम फाइनली इसमें हम डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ पाउडर। तो डालते हैं और 1-2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से इसमें हिला के भुनेंगे और फिर ये हमारी सब्जी बनके रेडी है। एक खास बात मैं आपको बोलना ही भूल गई थी, जब हम वो मसाला डालते हैं ना हमारा ताजा वाला, उसके बाद सिर्फ हमें 2 मिनट तक ही पकाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सब मसाले अच्छे से भून के रेडी करके उसका पाउडर बनाया था। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इसके साथ आप मिक्स कीजिए मीडियम टू स्लो, स्लो टू मीडियम, फिर गैस का फ्लेम कर दीजिए आप ऑफ। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे भिंडी आलू की चटपटी सब्जी बनके रेडी है। होप आपको मेरी ये इनोवेटिव सब्जी अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।